स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ दीप्सी द्विवेदी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपको बता दें बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा कि हिमाचल के हितों को बेचने का आरोप बीजेपी पर लगाया है। विधानसभा में एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश के नाम पर इन्वेस्टर समिट की गई और इस समिट में सिर्फ और सिर्फ राज्य के अधिकारों को ही बेचा गया। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रश्न पर सीएम सुक्खू ने कहा कि ऊर्जा नीति को इस तरह से ट्विस्ट किया गया है कि राज्य के पास पानी के रूप में मौजूद एकमात्र संसाधन का भी ध्यान नहीं रखा गया। इन्वेस्टर के बहाने भारत सरकार के पीएसयू एसजेवीएन और साथ ही एनटीपीसी को लाभ देने के लिए पावर पॉलिसी को पूरी तरह से मोड़ दिया गया। एसजेवीएन को 3 प्रोजेक्ट धौलासिद्ध लोहरी सुन्नी दिए गए और इनमें न सिर्फ 12% रॉयल्टी को 4% तक कम कर दिया गया बल्कि लोकल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी लाडा और जीएसटी को भी माफ कर दिया गया। तो 40 साल के बाद प्रोजेक्ट सरकार को वापस आने के प्रावधान को भी हटा दिया गया। इससे हिमाचल के हित पूरी तरह असुरक्षित हो गए थे। इन कंपनियों ने राज्य सरकार से इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट साइन किए बिना काम भी शुरू करवा दिए और अब इनकी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के बाद ऊर्जा नीति में बड़ा बदलाव किया है जिसमें रॉयल्टी के स्लैब को भी अब 20% से 40% तक कर दिया गया है। सरकार थी 2012 से 17 तक और जो भारतीय जनता पार्टी की 2017 से 22 की है उसकी ऊर्जा नीति का अगर अध्ययन करें तो जो इन्वेस्टमेंट मीट के नाम पर धर्मशाला में जो हमारे इन्होंने कार्यक्रम किया उसमें किस प्रकार के एमओयू साइन किए, ये कहा गया कि पहले 10 साल में हम 4% बिजली लेंगे और अगले 10 से 25 साल में 8% लेंगे, 25 से 40 साल में हम 12% लेंगे। उस आधार पर वो एमओयू साइन किए गए और तकरीबन बड़ा फंक्शन किया गया धर्मशाला में करोड़ रुपये खर्च करके कि हमारे में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। 26 करोड़ रुपया उसमें खर्च किया गया। अब देखने तंबू में 26 करोड़ रुपया खर्च किया गया और क्या किस लिए खर्च किया गया कि हिमाचल को बेच दिया गया। हमारी सरकार बनने के बाद हमने सबसे पहला परिवर्तन किया कि जो हमारी 12% फ्री रॉयल्टी थी पहले 12 साल में, 12 से 30 साल में 18% और 30 से 40 साल में 30% रॉयल्टी हमें मिलनी चाहिए। चुनावों के 6 और 9 महीने पहले थोक में संस्थान खोल दिए, 900 के संस्थान खोल दिए, नोटिफिकेशन कर दी, ना कर्मचारियों की भर्ती की, कहाँ खुलेंगे वहाँ की भर्ती नहीं की और कहा कि हम द्वारा चुनाव में आएंगे तब देखेंगे। अब हम जो संस्थान खोल रहे हैं उसमें पहले कर्मचारियों की भर्ती कर रहे हैं और कर्मचारियों की भर्ती करने के बाद जहाँ नीड बेस्ड होगा वहाँ संस्थानों को खोला जाएगा। चुनावों के 6 और 9 महीने पहले थोक में संस्थान खोल दिए, 900 के संस्थान खोल दिए, नोटिफिकेशन कर दी, ना कर्मचारियों की भर्ती की, कहाँ खुलेंगे वहाँ की भर्ती नहीं की और कहा कि हम द्वारा चुनाव में आएंगे तब देखेंगे। अब हम जो संस्थान खोल रहे हैं उसमें पहले कर्मचारियों की भर्ती कर रहे हैं और कर्मचारियों की भर्ती करने के बाद जहां नीड बेस्ड होगा वहां संस्थानों को खोला जाएगा।